नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश बाली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा, कश्मीर में हमने 3 दिन का और प्लान बनाया था कि हम कुछ जगहें हैं जहां विजिट करना चाहते हैं और उसके बाद हमारा कश्मीर टूर एंड हो जाएगा। बीच में सफ़र करते हुए ना कुछ जगहों पर मैंने ठंडा गर्म का ख्याल नहीं रखा, इसकी वजह से मेरे को थ्रोट पेन हुई और सुबह जब मैं उठा तो थ्रोट पेन काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे लगा बेहतर रहेगा कि हम जर्नी अबॉर्ट कर दें और वापस चले जाएँ, क्योंकि वहाँ रुकने का मतलब है, कोई गारंटी तो है नहीं कि एक दिन में ठीक होएगा, हो सकता है 4 दिन लग जाएँ, तो फिर ये मैंने डिसीजन लिया। अब शाम की मैंने क्योंकि फ़्लाइट बुक करवाई थी, हमारे पास हाफ डे से ज़्यादा का समय बाकी था, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम बाहर घूमते हैं और एक वीडियो बनाते हैं आपके साथ, अपनी आखिरी दिन की जर्नी शेयर करेंगे। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था, चाय जाए करके एक रेस्टोरेंट है श्रीनगर में, वहाँ पर आप ज़रूर जाना, आपको अच्छा लगेगा और कावा पियोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जी सर, हमारे यहाँ जैसे टी रूम बेसिकली, तो हमारे यहाँ डिफरेंट तरह की चाय मिलती है। लाइक हमारे पास जो मेन कैटेगरीज होती है टी की, वो 6 कैटेगरीज ग्रीन, एंड हमारे यहाँ पर लोकल चाय मिलती है, लाइक कहवा हमारा वन ऑफ द बेस्ट है। हमारे लिए ना आप एक कावा कर दीजिए, कावा ठीक रहेगा, कावा ठीक रहेगा आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है। हाँ, मेरे को थ्रोट पेन है आज जी, कावा से कावा ठीक। ओह फैंटास्टिक। सो ये है सर कावा, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल पॉट, ये कॉपर का होता है, इसके ऊपर ये सिल्वर की कोटिंग है, इसको कहते हैं समावार। इसके अंदर आप अगर आप देखेंगे ना, इट्स लाइक कोल इनसाइड। अच्छा, ये सेंटर में कोल है? सेंटर में कोल है, तो उसी की वजह से ये गर्म रहता है और उबलता भी इसी की वजह से। तो इसे वो अपने आप गर्म होता रहेगा? हाँ, ये अपने आप गर्म होता तो उबलता उबलेगा भी इसी में। तो बादाम और बादाम चॉप करके रखे हैं पहले से। फैंटास्टिक। तो मैं आपको पोर करता हूँ कावा, दिस इज लाइक दिस गोज दिस, ये आप कलर देख सकते हैं, टेक्सचर ही अलग है। दिस इज अ ट्रेडिशनल रेसिपी लाइक कावा। लवली। दिस इज गुलकंद स्वीटनर, ऑर्गेनिक स्वीटनर है, देन यू हैव नॉर्मल शुगर एज वेल, मिश्री भी हमारे पास, बट लोग प्रेफरेबली गुलकंद यूज़ करते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर शुगर टेस्ट आप 1 स्पून ले सकते हैं इसमें। अच्छा, ये कुलचा है, ये ऊपर के पॉपी सीड्स? पॉपी सीड्स, यस। दिस इज अ लोकल केक टाइप ब्रेड, इट्स कॉल्ड रोट, क्रिस्प रहेगा थोड़ा। हाँ, दिस इज लाइक अ बिस्किट? यस, कुकी टाइप बिस्किट, यस। हाँ, ऐसा लग रहा है, सो सॉफ्ट। नमकीन है? यस, सॉल्ट। जिसमें एक स्वीट भी आता है? हाँ, स्वीट का दो तरह के होते हैं, एक स्वीट एक सॉल्ट। थैंक यू। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये जो कप्स है ना, दिस इज अ पेपर मैशी, ये सारा हाथ से किया हुआ है। अच्छा, ये नहीं, एक कश्मीरी इसमें टच दिया हुआ है। मुझे किसी ने बताया था डाउनटाउन में ये पेपर मैशी का काम होता है। हाँ, हमारे आर्टिस्ट ही डाउनटाउन से थे, हम खुद करते हैं ये सारा काम। चाय जाए पर कावा पीकर जो हमें स्वाद आया ना, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, 7-8 दिन के कश्मीर टूर में मैंने, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, 14 से 15 जगह तो कावा ज़रूर पिया है, लेकिन जो टेस्ट चाय जाए के कावा में है, नंबर वन है, बहुत ही बेहतरीन। चाय जाए के बगल में ही महातास कैफ़े, मुझे किसी ने कहा था जब आप महातास जाओगे ना तो आपको बहुत सारी पुरानी फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी। मैं दंग रह गया, इतनी बढ़िया यहाँ पर फोटोग्राफ कलेक्शन है कि इनको देखकर ऐसा लगने लगा मुझे जैसे मैं 40-50 साल पुराने कश्मीर को फोटोग्राफ के ज़रिए जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एक के बाद एक फ़ोटो बहुत बढ़िया, और कुछ फोटोग्राफ्स को तो देख के ऐसा लग रहा था जैसे 60-70 साल पुरानी फोटोग्राफ्स हों, वेरी वेल शॉट फोटोग्राफ्स। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये महातास कैफ़े, आज जो आप कैफ़े के फॉर्मेट में देख रहे हो, एक्चुअली ये कश्मीर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोटोग्राफी स्टूडियो है। तो ग्राउंड फ्लोर में तो कैफ़े है और ऊपर की तरफ आज भी स्टूडियो, पर मतलब फर्स्ट फ्लोर पर। फोटोग्राफ के साथ साथ मैंने काफ़ी टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर पढ़ी, मौसम के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, एक जगह मैंने जो कश्मीर की वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ी, हर लेक के बारे में अच्छा खासा विस्तारपूर्वक लिखा हुआ था। तो 15-20 मिनट का समय तो मेरा महातास में फोटोग्राफ कलेक्शन देखते देखते निकल गया। फिर मुझे मालूम चला कि ओनर कैफ़े में अवेलेबल है, तो मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी और हमारी उनसे
मुलाकात हुई। तो मैम आप बेसिकली कश्मीर के रेजिडेंट हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर? नो, आई केम फ्रॉम दिल्ली, आई गॉट मैरिड एंड केम हियर। तो मैं दिल्ली से आई तो मेरे फादर वो सेटल्ड देयर आफ्टर पंजाब, वी बिलोंग टू पंजाब। सो फिर आई गॉट मैरिड एंड केम हियर। सिंस लास्ट 55 इयर्स आई बीन हियर। 55 इयर्स इन कश्मीर? इन कश्मीर। तो 55 इयर्स में तो आपने बहुत फेजेस देखे होंगे। जी जी, आई हैव सीन थिक एंड थिन ऑफ कश्मीर। सो सब देखा, मिलिटेंसी भी देखी, वॉर्स भी देखी, तो सब कुछ देखा। हाउ हैज लाइफ बीन लाइक, अगर मैं डेकेड बाय डेकेड बात करूं? सी, माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस इज टोटली ऑपोजिट सो व्हाट अदर्स से, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस प्लेस एंड वेरी फॉन्ड ऑफ दीज पीपल, जो यहाँ के लोग हैं, बिकॉज दे आर वेरी नाइस पीपल एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एंड आई फील आई बिलोंग टू देम एंड दे फील दे बिलोंग टू अस। सो मेरी तो ऐसी एक्सपीरियंस है विद देम। सो इवन इन मिलिटेंसी वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम बाय द पीपल और एनीथिंग। वो छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो होते थे, वो तो सबके साथ हुए, बट देर वॉज नथिंग एज सच कि वी हैड टू रन अवे, और वी वर क्वाइट कम्फर्टेबल एंड दे यूज टू कम फॉरवर्ड एंड से कि जी आपको कुछ ज़रूरत हो तो हमें बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज वी वर माइनॉरिटी। सो माइनॉरिटी में इफ़ यू गेट दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस तो आपका तो डबल हो जाता है वो रहना इस जगह पे। सो दैट्स व्हाट वी वेंट थ्रू एंड यहाँ पे बेस्ट चीज़ जो है वो दीज फाइव सीजन्स ऑफ द ईयर, जो हमें बाहर नहीं मिलते हैं इतनी डिस्टिंक्टली, वी कांट नोटिस देम। सो वी इंजॉयड ऑल द सीजन्स, देयर फूड, देयर जितना भी मतलब एक्सपीरियंस उसमें कहें कि वो कम ही होता है, बट इट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ कश्मीर। तो हमें एक चीज़ बताइए, जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि 30-40 ईयर्स में बहुत कश्मीरी पंडित ने माइग्रेट किया। जी जी, मतलब नो नंबर्स, बट जैसे हम सुनते हैं और काफ़ी साल से सुनते भी आए हैं, बाय रफ एस्टीमेट आज से अगर 55 ईयर्स पहले जाएं तो कश्मीरी पंडित का जो परसेंटेज रहा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना रहा होगा, लाइक आउट ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन? आई थिंक आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा नहीं, 50-55 ईयर्स। हाँ, 55 ईयर्स बैक। और आज कितना होगा? आज तो अब 5% भी नहीं होगा, आई थिंक 1 or 2%। बट ऐसा हमने सुना कि कुछ अभी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है उनको जी टू ब्रिंग देम बैक, ब्रिंग देम बैक, गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, व्हिच विल बी वेरी नाइस बिकॉज़ जो भी कहें दे बिलोंग टू कश्मीर। चाहे कि कहीं भी इंसान जाके सेटल हो जाए बट अपनी नेटिव जगह कोई नहीं भूलता। तो आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें पूरी तरह से कब स्टेबल होंगी, जब टूरिस्ट बिंदास कश्मीर में घूम सकेंगे? बिकॉज कुछ ना कुछ इंसिडेंट हर 2 साल में कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे लगता है अब तो काफ़ी स्टेबिलिटी पर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। सो इट माइट टेक फ्यू मोर ईयर्स, बट मुझे लगता है कश्मीर अब स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, इट विल कम बैक। बिकॉज अभी भी आप देखें इंसिडेंट्स आर वेरी लिटिल, पहले के मुकाबले में चीज़ें कंट्रोल्ड हो रही है। जी, काफ़ी कंट्रोल है एंड पीपल आर ऑल्सो नाउ दे आई थिंक रिकनसाइल्ड कि जब यहाँ रहना है तो वाई नॉट लिव प्रॉपरली। पहले जैसे राइट्स होते थे ये सब, वो काफ़ी कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। सो आई थिंक समवेयर थिंग्स आर कमिंग अराउंड। आपने अलग अलग फेजेस देखे हैं लास्ट 55 ईयर्स में, कभी आपको भी ऐसा लगा लाइक सो मेनी पीपल हैव लेफ्ट कश्मीर बिकॉज ऑफ सम फियर इन देयर माइंड, कभी भी ऐसी मोमेंट आई जब आपको लगा कि मेंटल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, या देयर वाज अ मोमेंट व्हेन यू वर एक्चुअली थिंकिंग टू गो टू दिल्ली? वी नेवर थॉट अबाउट इट, बट फॉर अ लिटिल व्हाइल आया था कि पता नहीं यहाँ रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे, बिकॉज हम यहाँ इतने पुराने हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो वो सब सोच के वी नेवर वॉन्टेड टू गो बैक। बट फॉर अ लिटिल व्हाइल जब जनवरी 90 में ये हुआ था अपहीवल, तब थोड़ा सा ख्याल आया था कि शायद हमें यहाँ से भागना पड़े, बट दैट नेवर हैपेंड। अच्छा, बट वो फिर आपका क्योंकि लोकल सब जी सपोर्ट था, सपोर्ट था, और एक तरह से सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, तो थे हाँ, आपको कॉन्फिडेंस था कि हम सब एक साथ ही बड़े हुए, एक साथ ही रहे, एक साथ ही सब कुछ मनाया, तो इसलिए फिर यू बिलोंग टू ईच अदर। ग्रेट जी। आपके टॉप 5 फूड आइटम्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल जो आप घर में बनाना पसंद करते हैं?
जी टॉप फाइव में तो मोस्टली कश्मीरी है, बिकॉज कश्मीरी में वी आर वेजिटेरियंस, सो वी मोस्टली हैव लाइक टमाटर पनीर है, दम आलू है, देन देयर इज अनदर कलिया पनीर है, देन नदरू है, तो मोस्टली तो हम कश्मीरी, बिकॉज एवरीबडी इन्जॉयज ऑल्सो कश्मीरी, तो यहाँ आके सबको लगता है नहीं कश्मीरी खाना है, कश्मीरी खाना है, सो वी डू दैट। सो हमारा छोटा सा एक महाटा होम स्टे भी है, तो वहाँ भी हम यही लोगों को यही पसंद आता है कि नेटिव खाना खिलाइए जो भी नेटिव हो। कहाँ पर है होम स्टे? ये राजबाग में है जी। यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से इट्स जस्ट अबाउट 10 मिनट्स वॉक। अच्छा, बासी अक्रॉस द रिवर। हाँ जी, काफ़ी। तो वहाँ पर आप लोकल कश्मीरी फूड भी सर्व करते हैं? जी, वी सर्व वेजिटेरियन लोकल कश्मीरी फूड। फैंटास्टिक। सो वी ट्राई टू सर्व, एंड देन पंजाबी ऑफ कोर्स इज देयर। कोई टूरिस्ट आपसे जानना चाहे जी कि साल में कौन से 2 महीने ऐसे हैं जब अगर आप कश्मीर आओगे तो आपकी वो मेमोरीज आप कभी नहीं भूलोगे? वैसे तो कश्मीर हर महीने बदलता है जी, लेकिन एज पर यू 2 महीने बताइए। एज पर मी द बेस्ट मंथ इज अप्रैल, मई, दे आर द बेस्ट मंथ्स, एंड इफ बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स एंड न्यू एवरीथिंग इज न्यू, फिर स्नो ऑन द माउंटेन्स, स्काई इज क्लियरर, सो आई फील दैट इज द बेस्ट, स्प्रिंग इज द बेस्ट। तो कल हम यूस मर गए थे तो वहां पर ना मैं मीडो में बैठ के स्काई की तरफ देख रहा जी, था जी। आई वाज सो मच सरप्राइज्ड, लाइक स्काई का कलर ही अलग था, ऐसा लग रहा था जैसे फोटोशॉप किया हुआ। दैट्स राइट, हां, एंड इट्स सो प्रिटी, आप देखें ना, ग्रीन इज सो फ्रेश, जो कि हमें कम मिलता है कहीं और देखने के लिए। ट्रू ट्रू, सो अप्रैल में इज द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। मैं डेली बेसिस पे अपना टूर ना प्लान करके चलता हूँ, और ये रोज सुबह प्लानिंग नहीं करता, जर्नी स्टार्ट होने से पहले पूरी जर्नी को मैं डे बाय डे ब्रेक करके सुबह से लेकर शाम तक की सारी एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेता हूँ। और 100% ऐसा सही नहीं होता, लेकिन उसमें 80% प्लानिंग होती है, 20% फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये बात मैंने पहले भी बहुत बार जिक्र किया है। अब ये जो मेरा गला ख़राब होगा, ये तो प्लानिंग का पार्ट नहीं था, अचानक मेरे थ्रोट पेन हुआ, मैंने टिकट शाम की करवा ली एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो अब सोचा अब आज कहाँ जाएँ, मतलब लास्ट डे ऑफ द टूर कहाँ जाएँ। तो महाताज जब हमने विजिट कर लिया तो फिर मेरे पास एक चॉइस थी कि हम हरि पर्वत जाते हैं, उसके बाद वहीं से हम एयरपोर्ट चले जाएंगे, मतलब ऐसा मेरे को मन था जाने का। लेकिन फिर जब मैंने गूगल मैप्स में टाइम देखा कितना लग रहा है आने का, तो मुझे लगा नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, हो सकता है हमारे को फ़्लाइट लेने में रिस्क हो जाए। टाइम पर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन अब श्रीनगर में सीन क्या है कि आम एयरपोर्ट में जैसे आप 2 घंटे पहले पहुंचो तो चलता है, लेकिन श्रीनगर में 2 घंटा पहले पहुंचना सफिशिएंट नहीं है, आपको कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। कुछ लोग तो 3.5 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तीन घंटा पहले इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी मल्टीपल लेवल पर चेक करते हैं। एनीवेज, समय को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा एक काम करते हैं, लंच कर लेते हैं और फिर एयरपोर्ट चले जाते हैं हरि पर्वत फॉर सम अदर डे इन फ्यूचर। अब लिंग्स कैफ़े करके हमें किसी ने बोला था नज़दीक में एक अच्छा जॉइंट है, जब हम वहाँ पर गए तो हमें पता लगा कि ये नॉनवेज के लिए ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमारा मन तो वेज फूड खाने का था और ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ हम पिछले कुछ दिनों में ना गए हों। तो हमें रेफरेंस मिल गया कि आप चाइनीज़ फूड खा सकते हो लंच में, JKTDC का एक रेस्टोरेंट नुन हुन के नाम से। मेरे को घाट नंबर तो याद नहीं आ रहा कि डल लेक में कौन से घाट नंबर के सामने है, लेकिन आप गूगल सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। वेजिटेरियन चाइनीज़ फूड मुझे यहाँ का अच्छा लगा। इनफैक्ट सही बताऊँ तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि चाइनीज़ फूड यहाँ इतना टेस्टी होगा, क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन इट वॉज मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। और सबसे अच्छी बात यह की थी कि रेस्टोरेंट का विंडो से ना आप नीचे डल लेक को देख पा रहे थे, मतलब आप थोड़ी हाइट से एरियल व्यू इंजॉय कर रहे थे डल लेक का। तो अगर आप शाम के समय यहाँ पर 5-6 बजे बिफोर सनसेट आ जाते हो तो यहाँ पर एक अच्छा आपका आज का फूड एक्सपीरियंस भी हो सकता है और एक अच्छा व्यू भी मिल सकता है। अच्छा मील इन्जॉय कर लेने के बाद हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की राइड करी। ये बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे बताया गया था कि हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जो चलती है शाम को 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक चलती है। मैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली ये चीज़ सोच रहा था कि मैं इस बस में सफ़र करूँ, लेकिन किसी ना किसी कारणवश मिस हो रहा था। तो मैंने एकदम से नोटिस किया, इस रेस्टोरेंट के बाहर से एक बस जा रही थी, मैंने हाथ दिया, उन्होंने रोक ली और मैं चढ़ गया उस पर। तो हमने उस पर 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र किया। और सबसे बढ़िया बात पता क्या, इसमें चलती है घाट नंबर 1 से और ये जाती निषाद गार्डन तक, तो आप ऊपर बैठ जाओ और ऊपर से डल लेक का व्यू इन्जॉय करो। 100 रुपीज़ ये लोग चार्ज लेते हैं।
आप लेफ्ट राइट देखो, डल लेक का व्यू इंजॉय करो और पहुंच जाओ निषाद गार्डन, और वहां से आप घूमो निषाद गार्डन, दूसरी हॉप ऑन पे बैठो और रिटर्न आ जाओ, या बीच में कहीं उतरना चाहते हो, दोबारा चढ़ना चाहते हो, वो सब आप एक ही टिकट में कर सकते हो एट अ कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर टिकट। रीजनेबल है और जर्नी फुल ऑन मज़ेदार है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की जर्नी ख़त्म कर लेने के बाद हम निकले श्रीनगर एयरपोर्ट के। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने डॉक्टर को विज़िट किया, 4 से 5 दिन का प्रॉपर मेडिसिन कोर्स किया और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। कश्मीर की टोटल सीरीज़ में हमने जितने भी एपिसोड बनाए हैं, बताइए आपको कैसे लगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने हर एपिसोड को उतना ही इन्जॉय किया जितना हमने किया। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नया डेस्टिनेशन, नया सफ़र। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।